उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 4 तारीख को मतदान होना है पहले चरण का। हमारे साथ भाजपा नेता नीरज सिंह हैं। नीरज जी, ये बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम मेयर सीट्स की बात करें, भाजपा का हमेशा से दबदबा रहा है, इस बार क्या लगता है, क्योंकि बसपा ने भी इस बार अपना ध्रुवीकरण कर लिया है? देखिए, भाजपा का दबदबा केवल नगर निगम में ही नहीं, माननीय मोदी जी के प्रति जो जनता के मन में विश्वास है, माननीय योगी जी के प्रति जनता के मन में जो भाव है, हम 300 से ज़्यादा सांसद, 1600 से ज़्यादा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से अपनी कार्यशैली से और जो विकास की नई गाथा लिखी है, जनता का विश्वास पूरे भारत में बना है। और नगर निगम के चुनाव में भी आप देखेंगे कि सारी की सारी जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगी। और लखनऊ विशेष की अगर मैं बात करूं तो 110 में से हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम इस बार 80 पार। ये बताइए, कैंपेनिंग अभियान की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लीडर होने के नाते आप किस तरीके से कैंपेन अभियान चला रहे हैं? काफ़ी युवाओं को, नेताओं को हम देख रहे हैं यहाँ पर। जन जन तक पहुंचने का ये प्रयास है, हर एक दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास है। पन्ना प्रमुख हमारे, बूथ प्रमुख हमारे, सब ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन से लेकर मेट्रो स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से लेकर सड़कों पर, चौराहों पर और घर घर तक जाकर ये कैंपेन कर रहे हैं। हमारी मेयर प्रत्याशी सुषमा खड़कवाल जी एक साधारण कार्यकर्ता जो 30-35 वर्षों से इस संगठन के नींव में अपने खून पसीने से उन्होंने सींचा है, उनको मौका दिया है। हमारे सभी 110 पार्षद के प्रत्याशी नगीने समान हैं और जनता उनको चुनकर सदन में भेजेगी, मुझे पूरा भरोसा है। बीजेपी चौंकाने वाला नाम सामने लेकर आती है, सुषमा खड़कवाल जी का जब नाम सामने आया तो सबको लगा कि अचानक से कौन सा नाम सामने आया, एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया, जबकि बड़े बड़े नामों का कयास लगाया जा रहा था। नहीं देखिए, हमारे लिए तो कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा है, वही सबसे सर्वोपरि है। और एक कार्यकर्ता, जैसा मैंने बताया कि 30-35 वर्षों से हमारी क्षेत्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हैं, और कानपुर में जब विपक्ष की सरकार हुआ करती थी तब उन्होंने अपने पीठ पर डंडे भी खाए हैं और अनवरत पार्टी की सेवा करती रही हैं। पार्टी ने उन्हें आज महापौर के पद पर सुशोभित किया है। इसी को कहते हैं कि आज यह एक साधारण कार्यकर्ता भी सबसे उच्च पद पर पहुंच सकता है, पूरे शहर का प्रथम नागरिक बन सकता है और एक चाय की रेडी लगाने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। बिल्कुल, देखिए, घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी भी लेकर के आई है, आम आदमी पार्टी भी लेकर के आई है, बीजेपी भी लेकर आई है। अगर हम मेन पॉइंट्स घोषणा पत्र के देखें तो इस बार नगर निकाय चुनाव में घोषणा पत्र है। देखिए, और पहले ही हमारे महापौर रहीं संयुक्ता भाटिया जी, उनके कार्यकाल में आपने देखा कि जो सफाई के, स्वच्छता के मापदंड पर पूर्व में जब समाजवादी की सरकार थी 259वें नंबर पर लखनऊ होता था, आज पूरे भारत में इसका स्थान तीसरा है। ये अपने आप में कहता है कि किस कर्मठता के साथ और किस ईमानदारी के साथ नगर निगम में काम हुआ है। जनता इन बातों को देखती है और इन विषयों के आधार पर ही हम वोट मांगने भी जा रहे हैं और मुझे लगता है पूरा हमें समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। आखिरी सवाल, सबका साथ सबका विकास, इसको देखते हुए इस बार पहली बार 350 मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, ये सर्व समाज की पार्टी है, सर्व धर्म की पार्टी है। हम 145 करोड़ जो भारतीय हैं उनको भारतीय के रूप में ही देखते हैं और इस बार मुस्लिम प्रत्याशी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का यह जो मंत्र हमें प्रधानमंत्री ने दिया है उसके तहत उनको भी, मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को भी मौका मिला है। मैं समझता हूं कि सभी मिलकर भारत को एक श्रेष्ठ भारत ही नहीं, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, अब लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद यही करते हैं कि इसी चीज़ को देखते हुए टिकट दिए जाएंगे? नहीं देखिए, किसी की धर्म या जाति देखकर पार्टी टिकट नहीं देती, विनेबिलिटी एक फैक्टर है, उसको देखती है। अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है तो पार्टी उसको टिकट देती है। अगर जहाँ पर भी हमारी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को एक जिताऊ रूप में देखेगी, निश्चित रूप से वहाँ पर भी उनको स्थान मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, हम बात कर रहे थे बीजेपी नेता नीरज सिंह से। देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनाव की जोर शोर से कैंपेनिंग चल रही है, सारे जितनी भी राजनीतिक दल है सभी अपनी अपनी जगह कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार निकाय चुनाव में कितनी सीट कौन सी पार्टी निकाल कर लेकर आती है। सहारा समय के लिए कैमरामैन तिथानकर गुहा के साथ अलहमरा खान।